ये अपना अपना बैग ले आओ, लंच रख दो। ओके। फिर ये एप्पल नहीं खाना है तो लेते जाओ सब लड्डू, तुम्हारे में डाल दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर डाल, ये वाला डाल दो, ये वाला डाल दो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं जो है पूरे घर को क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो छोटा सा एक ब्लॉग बना लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग को भी मोटिवेशन मिले। तो बस, और आज मैंने बहुत दिनों बाद जो है मैंने मतलब बहुत डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, और एक हफ्ते से हो गए थे, मैंने चादर भी चेंज नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है थोड़ी सी सफाई भी कर लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ। स्कूल चले गए थे तो मैं एकदम फ्री थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज घर को जो है डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो आज मैंने एक महीने बाद जो है वैक्यूम क्लीनर उठाया है, क्योंकि सर्दियों में मतलब इतना धूल मिट्टी नहीं आता है तो जो है वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस समय ना हवा इतनी ज़्यादा लू चल रही है और मौसम भी थोड़ा सा गर्म हो गया है, धूप ज़्यादा रहती है, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं जो है पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और मैंने चादर भी एक हफ्ते से चेंज नहीं किया था, तो ये सब मैंने जो है मुझे करने में 3 से 4 घंटे लग गए थे। और अब तो कम सर्दी पड़ रही है, तो मैंने सोचा कि जो मोटे मोटे रजाइयाँ हैं ये सब मैं उठा के मतलब रख दूँ, क्योंकि अब इसकी जो है ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो अब ओढ़ने में गर्मी लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो पतले वाले कंबल निकाल लेती हूँ और सारे जो है रजाइयाँ रख देती हूँ। और वो जो उस कमरे का जो कंबल था तो वो अभी मैं वो थोड़ा हल्का है तो अभी सर्दी में चल जाएगा, तो मैंने रजाइयाँ उठा के रख दी है और ये पतले वाले कंबल निकाल लिए हैं। और बच्चे जो है आज नहीं है ना, तो मैं बैठी थी खाली, टीवी देख रही थी, तो मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज पूरा घर ही साफ कर लेती हूँ। तो अभी मेरा नहाना धोना बिल्कुल नहीं हुआ है। साफ करने में मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे, तो जो है मैंने सोचा कि चलो आज कितना भी टाइम लग जाए उसके बाद नहा के पूजा ही करना है, तो मैंने सोचा कि चलो काम भी जल्दी से निपटा लेती हूँ। और ये कपड़े मैंने दिए थे प्रेस करने को, तो वैसे रात में लाई थी तो वैसे ही रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी रख देते हैं गिन के। वैसे भी मैं जब मतलब जैसे जो प्रेस करने वाली होती हैं तो उनके यहाँ से आता था, मैं कपड़े एक बार गिन लेती हूँ, क्योंकि 1-2 बार गड़बड़ी हुई थी, तो इसलिए मैं अब थोड़ा सा सावधान रहती हूँ। और फिर आज मैंने बहुत दिनों बाद जो है वैक्यूम क्लीनर उठाया, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं सोफा पर भी सही कर लेती हूँ, क्योंकि हवा इतना चल रहे हैं, धूल मिट्टी अब जो है अब घर में दिखेगा, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, सर्दियों में इतना नहीं होता क्योंकि सारे बंद रहते हैं खिड़कियाँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ये सब साफ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अभी जो है बस मैंने चाय पिया है और मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि जब मैं सफाई करने लगती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कुछ नाश्ता पानी भी करना है, तो फिर मैं सीधे अब नहा धो के फिर खाना ही खाती हूँ। तो बस, और मैंने सारे सोफे के कवर और चादर के जो है मतलब चादर बेड के सारे मैंने चेंज कर दिए, तो सारे इसी समय मैंने मशीन में डाल दिए कि ताकि जो है जल्दी से भी साथ के साथ धुल जाएंगे, तो मैंने दूसरा कवर ला के डाल दिया। तो ये देखिए घर मेरे क्लीन हो गए हैं और मैं अब जल्दी से कर लेती हूँ झाड़ू और पोछा। Thank you.
और आज वेडनेसडे तो मैंने मुझे जो है बाल भी धुलने थे, तो मैंने बहुत सारा जो है ऑयलिंग किया है, क्योंकि जो है जब मुझे बाल धुलना होता है तो मैं 2-3 घंटे पहले ही जो एक खूब सारा ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों में, क्योंकि एक जो है मतलब क्लींजर का काम करता है। तो अगर आप बाल धुलते सबसे पहले जो है तेल बहुत सारा लगा लो। और यहाँ पर मैं अब पोछा करने जा रही हूँ, और मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी कि जब भी आप पोछा लगाएं तो पोछे में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर लगाएं। इससे क्या होता है, घर के सारे नकारात्मक दोष दूर हो जाता है। बस थर्सडे को और ट्यूसडे को छोड़ के और संडे को छोड़ के बाकी सब दिन जो है सेंधा वाले नमक जो है डाल के पोछा लगाए, तो इससे घर की जो है सारे नकारात्मक दोष दूर होते हैं, ऐसा मतलब ज्योतिष का कहना है। तो मैं भी करती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से भी बता दूँ। तो बस मेरे जो है देखिए घर कितने चमक गए हैं अच्छे से। और अब जो है मैं जा रही हूँ नहाने, नहाने के बाद कर लेती हूँ पूजा। अभी दिन के बज गए हैं 2:30 और बच्चों का आने का जो है टाइम भी हो गया था, तो मैंने इसके बीच कोई ब्लॉग नहीं बनाया। फिर उसके बाद ये लोग आए, कपड़ा चेंज किए, और उसके बाद फिर जो है मैंने जो है तो सक्षम लड्डू का खाना खाने का मन नहीं था, तो बोले पास्ता बना दो, तो मैंने सोचा कि चलो पास्ता ही बना देती हूँ। तो ये लोग कपड़े उतारे, थोड़ा सा रेस्ट किए, फिर उसके बाद मैंने पास्ता बनाया। तो ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग, अगर पसंद आए तो लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और बस मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।